तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, इस टॉपिक को आगे चलने से पहले काफ़ी लंबा लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको समझने से पहले मैं एक ही लाइन में आपको समझा सकता हूँ पूरा टॉपिक और ईजी लैंग्वेज में। क्या कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जिनके अगेंस्ट अगर काम किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल, जैसे सपोज करो आपके पास एक कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक को आप उठा के एच हाइट ऊपर लेके आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो एक स्टूडेंट ने सीधा उठाया और यहां एच हाइट पर ब्लॉक को ले आया, वर्क डन W। दूसरे ने क्या किया, यहां से घुमा घुमा के यहां पर ले आया, उसका वर्क डन भी W। अगर मान लो W, पहले का भी W, सीधा ले आए तो भी W, घुमा के ले आए तो भी W। तीसरा कहता है कि मैं एक काम करता हूं, एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूं एट अ हाइट ऑफ एच और इस ब्लॉक को यहां से यहां लेके आता हूं, तो अभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट कितनी है, एच, वो इंक्लाइन प्लेन पे ले आया, इसके लिए उसको वर्क डन करना पड़ा, तो इसका वर्क डन बी डब्ल्यू। तो इसका मतलब कि ऐसे केस में ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, आपकी फाइनल पोजीशन है, तो आप वर्क डन कर रहे हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को उठा के सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लेके आ रहे हो, आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन रास्ते पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। तो अगर ऐसा है तो आपकी यानी कि जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव। और आप फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहे हो, यहाँ पर कौन सी फोर्स एड कर रही है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की फोर्स हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव है। तो ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब है कि आप ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट को कहीं से भी ले आओ, वन पॉइंट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक किसी भी रास्ते से ले आओ, रास्ता मैटर नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करता है, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव। तो समझ में आ गया कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या है, फ्रिक्शन के अंदर एक ब्लॉक को आप यहां से यहां लेके आ रहे हैं और उसी ब्लॉक को वन से टू पॉइंट पे अगेंस्ट फ्रिक्शन लेके आ रहे हैं, तो आप अगेंस्ट फ्रिक्शन काम कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रही है, वर्क डन कर रहे हैं। और दूसरा, एक स्टूडेंट घुमा के लेके आ रहा है यहां से यहां तक, तो सोचो एक ब्लॉक को यहां से वहां लेके जाना है, तो मैं अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा हूं सीधा, और एक स्टूडेंट घुमा घुमा के उसको लेके जा रहा है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन जब घुमा घुमा के लेके जाओगे तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, वो रास्ते पे डिपेंड करता है। जितना लंबा रास्ता कवर करवाओगे तो आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन उतना ही क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये फोर्स क्या कहलाएगी, नॉन कंजर्वेटिव। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हम यहां पर तीन फोर्सेस को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में बस। पहली ग्रेविटी की फोर्स, ये मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि मैं प्रूफ भी करूंगा इसको आज क्लास में, ग्रेविटी की फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। तो अगेंस्ट ग्रेविटी आप किसी भी रास्ते से ऑब्जेक्ट को ले जाओ, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंसी होगी, पाथ नहीं देखा जाएगा। एक दूसरी फोर्स स्टडी हमने की हुई है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में पाथ मैटर करता है, आपको लंबे पाथ से जाना है तो ज़्यादा वर्क डन, छोटे से जाना है कम वर्क डन। दूसरी, तीसरी फोर्स अभी आई नहीं है जिसका नाम है स्प्रिंग की फोर्स। स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ग्रेविटी की फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आप ये चेक कर सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आप वर्क डन कर रहे हो, ये फोर्स जो काम करेगी, वो काम जो करेगी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। तो ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर हो गया यहां तक। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके गए वन पाथ के थ्रू, और फिर बी ए से बी पे ही लेके गए सेकेंड पाथ के थ्रू। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन फर्स्ट पाथ का और सेकेंड पाथ का एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। इसके बाद जो ये सब लैंग्वेज लिख रहा है, ये थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी,
मैं आपको सीधा ऐसे समझाने की बजाय एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है, ये एक मिनट में समझ में आएगा। सीधा समझाऊंगा मुश्किल लगेगा, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज ये एक ग्राउंड है, ठीक, और लेट अस सपोज ये एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम है। इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले गया एम, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैं, आपको कि दो कैसे, काम तो मैंने ही करना है, ब्लॉक को किसने उठाया, मैंने। दूसरा एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझसे पूछो कि सर आप जब इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर लेके गए तो आपने कितना वर्क डन किया, मैंने कहा देख मैंने वर्क डन किया, मेरी फोर्स कहाँ पर है, ऊपर, ऊपर मैंने फोर्स लगाई। किसकी बात हो रही है, कौन वर्क डन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैंने फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, ऊपर। एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना, जीरो। तो मेरा वर्क डन कितना, एम जी इंटू एच, कॉस जीरो क्या होता है, वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, किसने किया वर्क डन, मैंने किया। मेरे को इस फिजिक्स वाले लोग मेरे को नाम से पुकारते हैं एक्सटर्नल, तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक, ये कॉमन वर्ड है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल करता रहेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तुम्हारी बात कर रहा है, तुम ही एक्सटर्नल हो, ठीक हो गया यहाँ तक। अब दूसरा वर्क डन की अगर हम फिर सेम एग्जाम्पल लेते हैं एक बार फिर से, ये आपका फिर से ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट है। अब एक फोर्स है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, अर्थ, ग्राउंड, ग्राउंड या अर्थ कहता है कि देखो मेरी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो तो हर वक्त कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, ठीक है, नीचे। अब मेरे से कोई पूछ नहीं रहा, उसने अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया तो मेरी फोर्स ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, फोर्स तो नीचे एक्ट कर रही है, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ करवा दी उसकी, ऊपर। अब यहां पर मेरी बात नहीं हो रही, क्योंकि जब मेरी बात हो रही तो मैं ये समझा रहा था कि मैंने फोर्स कहां लगाई, ऊपर। यहां बात किसकी हो रही है, ग्रेविटी की। ग्रेविटी कहती है यार मैं तो फोर्स ऊपर लगाती नहीं कभी भी, मैं तो फोर्स ही नीचे लगाती हूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दो कि मैंने तो फोर्स नीचे लगाई, मुझे नहीं पता तुम एच हाइट तक कैसे ले गए। तो अगर तुम एच हाइट तक ले भी गए हो तो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कैलकुलेट करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एंगल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 180, क्योंकि ग्रेविटी कहती है भाई मेरी फोर्स तो नीचे लगती है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हो भी गई तो एंगल इनके बीच में कितना, 180, cos 180 क्या होता है, -1, तो आंसर क्या आ गया, -mgh। अब अगर तुम मेरी बात करते हो एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन किया, फिर तो बोलोगे mgh, तुम बोलोगे ग्रेविटी ने कितना काम किया तो आप बोलोगे -mgh, दोनों में फर्क हो गया। तो हम दोनों में नेगेटिव का फर्क है, क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से फोर्स ऊपर है, उसके हिसाब से फोर्स नीचे है, फर्क पड़ गया यहाँ पर। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात आ गई फिर से। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, और ग्रेविटी की बात करते हैं, मेरे को छोड़ दो, क्योंकि जब मेरी बात होगी तो मैं तो हमेशा ही फोर्स ऊपर लगाऊंगा, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फोर्स मैं नीचे लगाऊंगा, अपनी कन्वीनियंस देखूंगा मैं तो, पर ग्रेविटी नहीं कन्वीनियंस देखेगी। ग्रेविटी कहती है मेरी फोर्स तो हर वक्त ही नीचे है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे उतारता हूँ और ग्रेविटी की सुनता हूँ तो ग्रेविटी कहती है देख फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे उतरेगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ कितना, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, एमजीएच। तो ग्रेविटी कहती है कि अगर आप ऊपर लेके जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली तो वर्क डन क्या आएगा, -mgh, और नीचे उतारोगे तो +mgh। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, ऊपर और नीचे का, -mgh +mgh, जीरो। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, ऊपर और नीचे में, जीरो। पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो एक रूल बनाते हैं, ग्रेविटी की फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है तो दुनिया की कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, ग्रेविटी हो या ना हो, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप का मतलब जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर वापस आ गए, अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा राउंड ट्रिप का, जीरो। ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की, कि आप कंजर्वेटिव फोर्स में एक ऑब्जेक्ट को जहां से उठाओगे, जहां मर्जी पूरी दुनिया घुमा लाओ, वहीं पर वापस रख दोगे अगर, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कंजर्वेटिव की, कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। किसमें, टू एंड फ्रो जाने में, आने में और जाने में, जाने जाने में नहीं, उसमें तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसलिए इस थ्योरी को ऐसे लिखा गया, कैसे, कि जैसे एक पाथ के अलॉन्ग वर्क डन हुआ मान लो mgh, नीचे आने में कितना हुआ -mgh,
ऊपर और नीचे आने में नेगेटिव का फर्क होगा, और फिर अगर मैं इसे इधर ले आऊँगा, मान लो ए बी का मतलब है ऊपर जाना, बी ए का मतलब है नीचे आना, ऊपर और नीचे आने में नेगेटिव का फ़र्क होगा, तो अगर आप इसको इधर ले आएँ तो टोटल वर्क डन जाने का और आने का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो, तो रिजल्ट आ गया कि क्लोज्ड पाथ में, कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड किया, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा हमेशा जीरो। ठीक, कंजर्वेटिव क्लियर है? ठीक है यहां तक। अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये ऐसी क्यों यूज कर रहे हैं डब्ल्यू, ये सब ऐसे एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि दुनिया में फोर्स सिर्फ ग्रेविटी की ही कंजर्वेटिव नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, तो इसीलिए वो जनरलाइज लैंग्वेज यूज करता है, वो कभी भी ग्रेविटी की बात नहीं करेगा, वो किसी भी कंजर्वेटिव की बात करेगा, इसीलिए ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि वर्क डन ए बी, वर्क डन बी ए। लेकिन मैं कर सकता हूं क्योंकि आज मैंने सिर्फ ग्रेविटी पे काम करना है, तो मैं ग्रेविटी से इजीली समझा पा रहा हूं आपको, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। अदरवाइज आपकी जो किताब जो लैंग्वेज यूज करेगी वो जनरलाइज लैंग्वेज यूज करेगी, वो कभी भी स्पेसिफिक एक फोर्स की बात कभी नहीं करेगी। पर आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? आपसे कोई लिखवा के नहीं देख रहा, आप इतना स्ट्रेस लेके ना पड़े कि मेरे को आएगा कि कैसे प्रूव करेगा क्लो, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंजर्वेटिव व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव, दैट्स आप डेफिनेशन याद करो, ये प्रॉपर्टी याद करो, दैट्स इट। ठीक, तो इसमें फोर्स इज कंजर्वेटिव If the work done by force in moving a particle around any closed path is zero, तो अगर zero हो जाता है, वही point से start होके वही point पे आना, तो force को क्या बोलेंगे? Conservative, जैसे gravity की force या spring की force। ठीक, और अगर आप non-conservative की बात करते हो, वो भी साथ साथ सुन लो। Non-conservative में देखो, suppose करो एक object है, एक object first position से second position पे गया, non-conservative का example क्या है? Friction। मान लो s डिस्प्लेसमेंट हुई, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू s, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। और जब ये वापस आया तो जब ये राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट है, और जब ये लेफ्ट आ रहा है तो फ्रिक्शन राइट है, फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता ही नहीं, वर्क डन में फ्रिक्शन तो कभी पॉजिटिव होता ही नहीं, वो तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ वो तो नेगेटिव ही होगा। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे नॉन कंजर्वेटिव में, आंसर क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। तो कंजर्वेटिव का टू एंड फ्रो जाने का वर्क डन जीरो होगा, नॉन कंजर्वेटिव का नॉन जीरो होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो नॉन कंजर्वेटिव में कभी भी जीरो नहीं होगा, आंसर आएगा।